दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे रहस्यमयी और भूतिया जगह हैं, जिनके बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी चीजें मंदिर में होने लगे? आपने ठीक सुना, जिस रहस्य के बारे में हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते आप इस जगह पर जाने के लिए बेताब हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका आपके चैनल हिंदी टीवी फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया में प्रसिद्ध रहस्य से भरे केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन भाग्यशाली इंसान ही कर पाता है, क्योंकि इस धाम की यात्रा ही बहुत कठिन है। केदारनाथ से जुड़े सबसे रोचक तथ्य ये हैं कि इस मंदिर को कब, क्यों और किसने बनवाया, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा है। केदारनाथ के हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य यहीं खत्म नहीं होते। आप जब केदारनाथ जाएंगे, मंदिर की बनावट को देख आपका सिर चकरा जाएगा कि मंदिर पर लगे पत्थर इतने स्टीक और इंटरलॉक ढंग से लगे हैं कि देखकर लगेगा जैसे किसी मॉडल इंजीनियर के द्वारा बनाए गए हों। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और जिस समय ये मंदिर बना होगा उस समय आज के समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। आज से हजारों साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को बनाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। 16 जून 2013 में आई बाढ़ में जब सारा उत्तराखंड बह गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक चला गया था, सारा मंदिर पानी में डूब चुका था, फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। सोचने की बात तो यही है, सरिया सीमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से बनी मजबूत बिल्डिंग पानी में बह गई और हजारों साल पुराने मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, ये एक चमत्कार से कम नहीं। जब सारा उत्तराखंड पानी में बह रहा था, तब इस पानी में बहती एक विशालकाय पत्थर की शिला केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में आकर रुक गई, जिसके कारण मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाला पानी दो भागों में बट गया, जिस वजह से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही केदारनाथ मंदिर को दुनिया भर में रहस्यमय मंदिर नहीं माना जाता। अगर आप केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएं, तो मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर एक रेतस नाम का कुंड है। क्या आप जानते हैं, अगर कोई यहाँ ओम का जाप करता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। कई वैज्ञानिकों और रिसर्चरों ने इस बात का पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। अभी भी कई वैज्ञानिक इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि सिर्फ ओम का जाप करने से ही बुलबुले क्यों निकलते हैं। दोस्तों, केदारनाथ का मंदिर दर्शन के लिए 6 महीनों के लिए खुलता है और 6 महीनों के लिए बंद रहता है। दिवाली के समय इस मंदिर के अंदर एक दीपक जलाकर इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और अगले 6 महीने से पहले कपाट नहीं खोले जाते। जब 6 महीने के बाद इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो इसके अंदर वह दीपक वैसे का वैसे ही जल रहा होता है और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी नहीं होती। मंदिर साफ उस स्थिति में होता है जिस स्थिति में उसे बंद किया जाता है। अगर आप किसी भी कमरे को कुछ महीनों के लिए बंद कर छोड़ दें, उसकी सफाई ना करें, तो वो कमरा धूल मिट्टी से भर जाएगा। आप ये सब छोड़ भी दो, एक छोटा सा दिया 6 महीने तक जलता है सुनकर सिर चकरा जाता है। माना जाता है 6 महीने मंदिर की पूजा मनुष्य के द्वारा की जाती है। जब मंदिर 6 महीने बंद रहता है, तब देवी देवता आकर इसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। आप जब सैकड़ों मील की यात्रा कर केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे, तो मंदिर के दर्शन कर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। आपको केदारनाथ मंदिर के एनवायरनमेंट में कुछ अलग से एनर्जी फील होगी। दोस्तों, अगर आप साइंस पर विश्वास करते हैं तो एक बार केदारनाथ मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि यहां बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो साइंस के ऑपोजिट हैं, जहां आकर साइंस पे अपने घुटने टेक देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ मंदिर की आज की वीडियो। आगे आप कौन से मंदिर या स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।